सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ अपना पोस्ट वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करता हूँ तो मुझे बहुत जोर भूख लगती है, तो मैं घर आकर ऐसा क्या खाता हूँ जिससे कि मेरी रिकवरी हो जाती है। वर्कआउट के लिए दो अंडे ब्राउन ब्रेड को बनाने वाला हूँ। हमारा फ्राई पैन गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अपने ऑमलेट को यहाँ पे हल्का सा तोड़कर, हल्का सा, इसको ज़्यादा नहीं फैलाना है, हल्का सा सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ये देखो, देख लो, इसी तरह से नेक्स्ट वन भी, दूसरे को भी ऐसे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, अब फैला मत देना, बस थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉप कर दो। दैट्स इट। इस तरह से दोनों यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप कर देना, फैलाना नहीं है। तो मैं ज्यादा सॉइल भी नहीं खा रहा, पर थोड़ा सा लिटिल बिट आप सॉइल ऐड कर सकते हो, हल्का सा। ब्लैक पेपर बहुत जरूरी है, तो आप ब्लैक पेपर जरूर यूज करना। मैं भी हल्का सा ब्लैक पेपर यूज करता हूँ इस पे, एंड दैट्स इट। देख रहे हो आप ये कितना कूल लग रहा है देखने में। तो दो ब्राउन ब्रेड है, आप इसको साइड में ऐसे, वन एंड टू, इन दोनों को साइड में मैं ऐसे रख देता हूँ। इसको राउंड राउंड करके अच्छे से इसको ऐसे सेक लो। तो फाइनली मेरा पोस्ट वर्कआउट रेडी है, और जिसमें मैं लेता हूँ टू ब्राउन ब्रेड एंड टू पोच। ये मैं हमेशा नहीं लेता, जब भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है उसी दिन मैं लेता हूँ। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट था, इसलिए मैं ये भी कंज्यूम कर रहा हूँ। सो मैं इसे भी इंजॉय करता हूँ, एंड आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करोगे। तो लेट्स कम। फाइनली आई हैव डन, पूरा का पूरा प्लेट मैंने साफ कर लिया, क्योंकि बहुत जोर भूख लगी रहती है जब आप इंटेंस वर्कआउट से वापस आते हो। तो मोस्टली मैं जब बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है तब मैं ऐसे पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ, वरना कभी कभी मैं सिर्फ नॉर्मली दो ब्राउन ब्रेड से ही काम चला लेता हूँ। जब मेरा लाइट वेट वर्कआउट होता है या फिर जब मेरा कार्डियो होता है तो मैं ओनली टू ब्राउन ब्रेड सिर्फ उसे सेक लेता हूँ और कंज्यूम कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया, थोड़ा सा फ्रेश होकर आते हैं। तो यही था मेरा पोस्ट वर्कआउट। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। आई होप कि उनको हेल्प हो। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।